फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व जन्माष्टमी जैसा महापर्व इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है यह साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे बाहर तुष्टिकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है वही हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से हिंदू धर्म से खिला करने वाली सरकार की बिहार की सरकार तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे गजवाए हिंद के जो पीएफआई के सपने उनको साकार करने में लगी हुई है लगातार एफ और इस्लामिक जिहादियों के सामने नतमस्तक होने वाली सरकार का एक और एजेंडा सामने आया है 2024 की जो अवकाश की जो सरकारी अवकाश की तिथियां हैं उनकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा है कि अब शिवरात्रि रामनवमी श्रावण के अंतिम सोमवार तीज तृतीया जन्माष्टमी अनंत चतुर्दशी दूज गोवर्धन पूजा नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा ऐसी सारी जो पवित्र छुट्टियां थी जो पवित्र उत्सव हैं, उनकी छुट्टियां तो कर दी उन्होंने रद्द और आप देखिए कि मोहर्रम बकरीद ईद इनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया अरे भाई कुछ भारतीय जीवन मूल्यों भारतीय परंपराओं भारतीय संस्कृति के बारे में कभी तो कुछ चिंतन करो हमेशा सनातन विरोधी राम विरोधी रामचरितमानस विरोधी आपका चेहरा वही सामने आएगा इसका मतलब ये लग रहा है कि जो आई आईएनडीआईए के जो घटक दल हैं जो सनातन को नेस्ताबूत करने में लगे हुए हैं उसी के सपने आप भी साकार करने में लगे हुए हैं क्या बिहार सरकार को इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा बिहार की हिंदू जनमानस जो है बिहार की जनता जो है आपको छोड़ेगी नहीं इस प्रकार जिस तरह से लगातार हिंदुओं का दोहन कर रहे हो लगातार बिहार के अंदर बम विस्फोट होते हैं और उनको पटाखों की आवाज कहकर के और उनको जिहादियों को बचा लिया जाता है और हिंदुओं पर हमले होते हैं तो उल्टे उन हिंदू पीड़ित परिवारों को ही फंसा करके उनको कानूनी शिकंजे में फेंक दिया जाता है ये बेहद गंभीर मामला है बिहार सरकार को इस बारे में अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए जो छुट्टियां हिंदू समाज को मिल रही थी उनको देना चाहिए आप मुझे बताइए आखिरकार ये जो मुहर्रम बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ाने का क्या लॉजिक है ये आप देखिए ये जो दीपावली और छठ के जो अवकाश है उसको तो आठ से चार दिन कर दिया गया वहीं ईद और जो ईद पर जो अवकाश है उसको दो से तीन दिन बकरीद पर दो से तीन दिन और मुहर्रम पर एक से दो दिन कर दिया गया क्यों ये त्योहार का इतने लंबे लंबे होते हैं क्या ये बेहद गलत परंपरा का प्रारंभ बिहार सरकार कर रही है जिहादियों को इतना पोषण भी ठीक नहीं है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं।